डेंगू एक जानलेवा बीमारी है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण को रोकने में व्यस्त है। कुछ घर पर बैठकर, कुछ सफाई करके तो कुछ प्रभावितों का और नासमझों का इलाज करके। इस कोरोना से बचने के लिए बहुत सावधानी रखनी है हमें। बार बार हाथ धोने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और दोस्तों, अब गर्मी भी बढ़ रही है। आपने कूलर निकाल लिया होगा या निकालने की सोच रहे होंगे। मतलब या तो आपने डेंगू के मच्छर को जगा दिया होगा या जगाने वाले हैं। बस इंतजार है बारिश की हल्की फुहार का, जो इसे जीवन देगी और हफ्ते भर में ही घर घर में जमे छोटे से छोटे पानी के कंटेनरों में डेंगू के मच्छर पनप जाएंगे। दोस्तों, डेंगू मॉस्किटो यानी एडीज मच्छर का अंडा पूरे वर्ष तक आपके घर के कंटेनरों में जिंदा रहता है। और जमशेदपुर डेंगू एंडेमिक क्षेत्र है, जिसके कारण सही आर्द्रता और उचित तापमान पाकर ये अंडे फूटने लगते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करके सैकड़ों नए नए डेंगू के मच्छर बढ़ते जाते हैं। डेंगू के एडीज मच्छर पशु पक्षियों की तुलना में मानव का रक्त अधिक पसंद करते हैं, इसलिए ये अंडे लोगों के घर या आसपास के कंटेनरों में देते हैं, चाहे उसमें एक चम्मच ही पानी क्यों न हो। तो अगर आप कोरोना के बाद डेंगू की दोहरी मार से बचना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा। इसे रोकने के लिए आपको जुड़ना है डेंगू रोको अभियान से, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देने होंगे, वो भी हफ्ते में एक बार। ये 10 मिनट का बहुमूल्य समय निकालकर आप खुद को, अपने परिवार को और अपने आस पड़ोस को डेंगू जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। करना आपको बस इतना ही है कि आपके घर या आसपास कहीं भी पानी जमने ना दें। कूलर, फ्रिज की ट्रे, पानी के ड्रम या कंटेनर, कूलदान या पक्षियों के लिए अगर आप किसी बर्तन में पानी रखते हैं, तो इसे हर हफ्ते बदल दें, क्योंकि रुके हुए पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं। आस पड़ोस में अगर किसी टायर, प्लास्टिक, किसी टूटे बर्तन या डिब्बे में भी पानी जमा हो, तो उसे सूखी जमीन पर गिरा दें। और अगर गिरा नहीं सकते, तो जहां पानी जमा है उस पर तेल डाल दें, ताकि मच्छर न पनप सके। आइए डेंगू रोको अभियान से जुड़िए, क्योंकि डेंगू से सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है।